छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसा, मैं वादा करती हूँ मैं धोखा नहीं दूंगी, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज लेट मी गो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या बात है पिया, क्या छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच। इस फिल्म का ऐसा प्रमोशन करेंगे ना कि पूरी मार्केट में आग लग जाएगी आग। अरे सर अब इतनी भी आग मत लगा दीजिएगा कि फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने पड़ जाए। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? माइंड ब्लोइंग। तुम्हें इंडिया की अगली सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका क्रेडिट जाता है तुम्हें। मुझे क्यों? कभी सुना नहीं है कि सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। ये क्या है? ओ, इस बॉक्स में है प्यारी सी पिया के लिए प्यारा सा गिफ्ट। वाओ। ओह वाओ। सो क्यूट। तेरा हीरोइन बनने का सपना तो पूरा हो गया ना? बस अब जल्दी से फेरे ले लो तुम दोनों। मॉम, शादी की भी क्या चल रही है? एक्सक्यूज मी। हाय यहाँ पे कोई नया खबरी आने वाला है क्या जो डांस करता है? क्या यार फ्रेडी, हमेशा खबरी खून काम, कभी कभी काम को जरा किनारे रख के थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए। मस्ती? कैसी मस्ती? अरे यार अब ये भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या यार? मेरा दिमाग मत खाओ यार, थोड़ा मुझे एंजॉय करने दो। तुमको डांस करना तुम भी कर लो यार। आपको हो क्या गया सर? क्या हो गया? डांस कर रहा हूँ, तुमको करना तुम भी कर लो। आपको करना है मस्ती आप करो सर, मैं चला अपने घर, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। चुपचाप डांस फ्लोर पे चल, चलो। अरे सर वो, वो। थोड़ा हिलाओ हिलाओ कमर को हिलाओ। अरे थोड़ा हिलाओ यार, ऐसे मटकते रहो मटकते रहो। अरे मटकते रहो। Hi, handsome. Oh, beautiful. हैं? अभिजीत सर के साथ लड़की? आप डांस काफी अच्छा कर लेते हैं। नहीं नहीं वो तो बस है, टाइम पास है। ये लड़की कौन है? क्या कान में खुसफुस कर रहे हो? क्या चाहिए? कुछ नहीं। डांस करता। अरे क्या हो गया आपको? मुझे क्यों आंख मार रहे हो? ये आदमी कौन है?
आपका दोस्त है क्या? दोस्त? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे अंकल हैं। इतनी बड़ी इंसल्ट! क्या है ना, अंकल की उम्र हो गई है तो नहीं, ये डिस्को का माहौल पसंद नहीं है। ओह, लेट्स हैव अ डांस। या श्योर। नहीं तो अंकल बहुत पकाएंगे। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल, अरे अंकल होगा तेरा चाचा। डांस बहुत अच्छा करती। आप भी कम नहीं है। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? गर्लफ्रेंड? मजाक कर रही हैं आप, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप, लिस्ट काफी लंबी होगी। नो नो नो, नहीं नहीं, याद भी नहीं है आपको। बेटा बात क्या है? क्या हुआ अंकल? देखो ना कितनी सहमी हुई है, बात भी नहीं कर रही। या क्या हुआ? कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? कहाँ? वहां सीढ़ियों पे। देख नहीं रहा? ये वही टेडी है जो मैंने पिया को गिफ्ट दिया था। ये फोटोज तो शूटिंग की है। मतलब वो जो भी है वो शूटिंग के बाद से पिया का पीछा कर रहा है। ये वही आदमी छोड़ के गया जो पिया का पीछा कर रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आदमी कौन है। मैं अभी सीआईडी को फोन लगाता हूँ। अगर हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया ना तो पिया के लिए बहुत खतरा हो सकता है। संदीप नहीं, सीआईडी को फोन मत करना। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी और मेरी फिल्म पर भी बुरा असर पड़ जाएगा। पिया बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यू हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। हाँ, बाहर चलते हैं, यहाँ क्या रखा है? Excuse me. आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में अंदर आऊंगा।
तुम यहाँ से हिलना मत समझे। ये आपको बार बार सर क्यों बुला रहा है? मैंने बोला ना, उम्र हो गई है, सठिया गया है। वैसे आदमी अच्छा है लेकिन ये दोनों अभिजीत सर के पीछे पीछे निकल गए, जरूर कुछ पंगा होने वाला है। तेरी तो कर दिए सर, ये भी गुंडों के साथ मिली हुई है, इसे भी पकड़ लेते। नहीं फ्रेडी, ये मुजरिम नहीं है, ये हमारी नई साथी है पूर्वी। क्या नई साथी? सीआईडी ऑफिसर पूर्वी। फ्रेडी, पूर्वी जिस क्राइम ब्रांच में पहले काम करती थी उसका आखिरी केस था, इसने हमसे मदद मांगी थी। सर, इन गुंडों का गैंग अक्सर डिस्को में आने वाले लड़के लड़कियों को लूटा करता था। मगर सर, ये बात मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताई? पहले अगर बता देता तो पूर्वी के सामने तुम्हें अंकल कैसे बोलता है? क्यों अंकल जी? सर, पिया कहाँ है? लो, मैं दुनिया से पूछ रहा हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो कि पिया कहाँ है? अरे आपको तो पता होना चाहिए ना। अरे घर से तो वो शूटिंग के लिए निकली थी। वो यहाँ सेट पे आई थी, मेकअप भी करवाया, लेकिन जैसे ही शॉट देने की बारी आई गायब हो गई। हे भगवान, वही उठा के ले गया होगा मेरी बच्ची को। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग देखते हैं। आप कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। ये आखिरी बार कब देखा था तुमने पिया को? सर, जब मेकअप रूम में मेकअप करवाने के लिए आई थी। और आप कौन है? मैं मेकअप करती हूँ पिया का। तो आखिरी बार पिया को मेकअप रूम में देखा था? जी हाँ सर। मेकअप रूम कहाँ है? जी ये रहा। सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा है, लगता है पिया और किडनैपर के बीच में हाथापाई हुई है सर यहाँ पे। देखो अंदर कुछ मिलता है क्या? अच्छा, जब आखिरी बार तुमने पिया को यहाँ मेकअप रूम में देखा था तो उसके साथ कोई और भी था क्या यहाँ पे? जी नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं था। पिया अकेले बैठी थी और किताब पढ़ रही थी। मैं चाय पीने के लिए बाहर गई और 10 मिनट बाद वापस आई तो पिया यहाँ पर थी ही नहीं। कपड़े कैसे पहने हुए थे कुछ मालूम है? जी, वो स्काई ब्लू कलर की चूड़ीदार सूट पहनी हुई थी। सर, आप पर भी? सर ये देखिए, इस दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। यहाँ से गायब हुई है पिया। अच्छी प्लानिंग की है उसने सर। ग्रीन रूम से सीधा पार्किंग में और पार्किंग से सीधे बाहर। किसी को पता कैसे नहीं चला सर? किसी को पता चला कैसे नहीं? मैं यही सोच रहा सचिन, वो पिया को यहाँ से लेकर कैसे गया? वो चिल्लाई क्यों नहीं? चिल्लाई क्यों नहीं वो? तो देखो पिया की कार यहाँ पे खड़ी है। सब वो रही पिया की कार ये? हाँ सर, इसका मतलब किडनैपर पिया को अपनी कार में लेकर गया होगा। साहब, यहाँ बाहर वाला कोई कार पार्क ही नहीं कर सकता है। किसी अंदर वाले का ही काम है सर। पर हम में से ऐसा काम कौन करेगा? पर काम हो गया ना।
सारी गाड़ियां चेक करो, देखो अंदर वाले के किसी की गाड़ी यहां से गायब है क्या। जल्दी। हाँ सर। एक कार गायब है यहाँ से। किसकी कार है? देवेश साहब की कार यहाँ पर नहीं है सर। कौन है ये देवेश? सर वो हमारी फिल्म का फोटोग्राफर है। आखिरी बार कब देखा था तुम लोगों ने देवेश को? पिया जब से गायब हुई है तब से वो दिखाई नहीं दिया है। पिया के गायब होने में देवेश का हाथ हो सकता है? उसी ने किया सर। लेकिन क्यों? सर देवेश अपनी गर्लफ्रेंड मेघा को इस फिल्म की हीरोइन बनाना चाहता था, लेकिन डायरेक्टर साहब ने पिया को बना दिया, इसीलिए उसके दिल में नफरत भर गई थी। सर कुछ दिनों से तो देवेश पिया का पीछा भी कर रहा था। इस देवेश का नंबर क्या है? नंबर है 10987-1234। हेलो हेलो देवेश, हेलो हेलो। क्या? सर उसने फोन काट दिया और काफी घबराया हुआ था। अक्सर मुजरिम या तो फोन काट देता है या फिर फोन बंद कर देता है। प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए ना, कहीं वो मेरी बच्ची को कुछ कर ना दे। घबराइए मत, पिया को कुछ नहीं होगा। ये देवेश कहाँ रहता है कुछ मालूम है किसी को? दरवाजा खुला है? हाथापाई हुई है, टूटी हुई सैंडल। घड़ी क्या बस? क्या हुआ सर? मैं ठीक हूँ सर, वो देवेश भाग गया सर, वहां से भाग गया। देवेश गाड़ी रोक देवेश। अरे हट जा तू भाग। अरे हट जा, मुझे जाने दे। अबे रोक, हट जा। देवेश क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। आदमी बड़ा गड़बड़ है सर, लाश को गाड़ी में लेके जा रहा है। हो सकता है फ्रेडी पिया अभी तक जिंदा हो। सर गर्लफ्रेंड हीरोइन नहीं बनी तो कोई इस तरह पागल हो सकता है? ये मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ हाँ पहुंच गया बस। अरे जाना नहीं, रुक जाओ। सर मुझे लगता है वो पिया को मार चुका है और उसकी लाश ठिकाने ले जा रहा है। लिफ्ट का केबल टूट गया।
भगवान, इतनी दर्दनाक मौत। तेरा तो बुरी तरह से क्रश हो गया बेचारे का। हम प्रिया को देख सकते हैं? प्लीज आप लोग ना ही देखे तो अच्छा। तो फिर हमें बुलाया क्यों है यहाँ पे? कुछ और भी बातें थी। अगर आप देवेश के पीछे न जाते तो हमारी बेटी आज जिंदा होती। हमने तो पूरी कोशिश की थी आपकी बेटी की जान बचाने की। तो फिर कैसे बची? नहीं, आप तो सीआईडी हो, सीआईडी तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ से हम लोग जान लगा देते हैं। देखिए, अगर दया उन दोनों का पीछा नहीं भी करता था तब भी ये देवेश पिया का कुछ ना कुछ बुरा कर सकता था। सर, जिस वक्त हम उस देवेश का पीछा कर रहे थे उस वक्त वो सारे रास्ते किसी से फोन पर बात कर रहा था। किससे? किससे बात कर रहा था वो? किसी रूपक नाम के आदमी से। रूपक? आप किसी रूपक नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं तो, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पूर्वी, एक काम करो। जी सर। इस रूपक का पता निकालो और उसके घर जाओ। अगर वो घर पर नहीं मिला तो उसका मोबाइल ट्रेस करो, देखो कहां पर है और वहीं से उठाओ उसे। सर, प्रिया का ब्लड ग्रुप तो ओ पॉजिटिव बता रहा है। क्या बात कर रहे? हाँ सर, ये देखिए। ओ पॉजिटिव? अरे पर इस प्रिया का ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है। बॉस, ये लाश प्रिया की नहीं हो सकती, ये कोई और लड़की। क्या? सच? मतलब प्रिया जिंदा है? बॉस, इस लाश का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और देवेश के घर से हमें जो ब्लड सैंपल मिला है उसका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव। क्या? जबकि पिया का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। सर, इसका मतलब है कि देवेश ने किसी और लड़की को किडनैप करके रखा था। एक बात बताइए, क्या पिया के शरीर पर कोई ऐसी निशानी है जिससे हम उसकी लाश को पहचान सके? बचपन में उसका बाया हार्ट टूट गया था, उसकी कोहनी में एक मेटल की प्लेट है। मेटल की प्लेट? बस इस लाश के किसी भी एक्सरे में हमें कोई मेटल की प्लेट नहीं मिली। नहीं ना? आ दिखाता। ये देखो, ये सारे एक्सरे इस लड़की के, किसी भी एक्सरे में कहीं कोई मेटल की प्लेट नहीं। इसका मतलब साफ है बॉस, ये लड़की पिया हो ही नहीं सकती, ये कोई और लड़की। और एक बात और। हाँ। कम बॉस, ये देखो, ये इसकी पलकों पर ये कुछ चमकीला सा, ये शिमर है ना सड़के? शिमर ही है। हाँ, ये शिमर ज्यादातर मॉडल और एक्टर अपने शोज में लगाते हैं, है ना? जी सर। निखिल, काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाकर के पता लगाओ क्या कोई मॉडल या एक्टर गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। सर जल्दी। सर, हाँ, इस लड़की ने भी ठीक वैसे ही कपड़े पहन रखे थे सर जैसे पिया ने पहने थे गायब होने से पहले। अच्छा, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, कि किसी ने जानबूझकर ये किडनैपिंग का ड्रामा किया है। दया, उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से ही पता चलेगा कि ये सारा ड्रामा किया किसने है। मॉर्निंग पिया, काफी लंबी नींद सोई हो। हाँ? तुम ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ये हकीकत है। ये क्यों किया तुमने? क्या मिलेगा तुम्हें? तुम मिलोगी मुझे तुम। ये लिफ्ट टूटी कैसे? पहले से खराब थी क्या लिफ्ट? नहीं साहब, लिफ्ट तो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही थी। तो फिर इसका केबल कैसे टूटा? क्या साहब, अब जिसके किस्मत में मरना लिखा है उसकी किस्मत को भला कौन बदल सकता है? मर गए बेचारे। अच्छा,
चल। गन हटा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब, गन हटा लीजिए। पहलों की मौत हो गई है और तुझे मजाक सूझ रहा है? ड्यूटी करने बैठा है या मच्छर मारने? सर, सर ये देखिए। सर ये वायर टूटी नहीं है, काट दी गई है, देखिए। बड़े साफ सुथरे ढंग से काटा गया इस केबल को, किसी वायर कटर से काटा गया इसे? इतनी मजबूत वायर इतनी आसानी से कैसे काट सकते हैं कोई? ये एक्सीडेंट नहीं था सर, खून था खून। जब ये एक्सीडेंट हुआ तुम कहाँ थे? ऊपर की मंजिल पे था साहब। ये तो पहले से ही ऊपर था। क्या करने गए थे ऊपर? मैंने किसी को देखा था ऊपर, इसलिए चेक करने गया था। किसको देखा था? चेहरा ठीक से दिखा नहीं। कौन से मंजिल पे देखा था उसे? सातवें मंजिल पे साहब। चलो देखो। चलिए साहब। यहीं पर देखा था साहब मैंने उसे। यहाँ पे? मैं ऊपर पहुंचा, वो जा चुका था। वो देखो। लिफ्ट की केबल इस कटर से काटी गई है। सर लेकिन खून इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया? यहाँ तैयार यहाँ छोड़कर? शायद जैसे ही उसने इस कटर से लिफ्ट की केबल काटी, हड़बड़ाहट में ये कटर यहाँ पे रह गया होगा। इस पर उसकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। देवेश और उस लड़की को यहाँ साथ में बुलाया होगा, ताकि वो दोनों को साथ में खत्म कर सके। ये देवेश भी खुरी को जानता होगा, इसीलिए तो वो यहाँ पे मिलने आया, वो भी बेहोश लड़की को साथ में लेके। हाँ भाई जी, क्या रूपा का फोन ट्रेस हो गया है? कहाँ है वो? मुंबई में ही है। ओह ठीक है, रूपा मुंबई में ही है। सर इसका मतलब खून रूपक ने किया है? पूरे रास्ते में ये देवेश रूपक से फोन पे बात कर रहा था, हर बात की खबर दे रहा था उसे। एक बार ये रूपक हाथ में आ जाए, अपने आप मुंह खोलेगा वो। निकल जरा पता करो उसका मोबाइल अभी भी इसी इलाके में है, यहीं पे है। सर हेलो, प्लीज जरा ये देखिए, रूपक का मोबाइल यहीं पे है, चांदपुर एरिया में जहाँ पे हम हैं। हाँ मोबाइल वहीं पर है, चांदपुर बाजार में, तुम्हारे पास ही है। तुम जरा आगे जाओ राइट की तरफ। सर इसी एरिया में आगे से राइट है सर। अच्छा ये फोन एक ही जगह पे है या चलता हुआ दिख रहा है? नहीं मोबाइल एक ही जगह पर है सर, फोन एक ही जगह पे रुका हुआ है। एक ही जगह पे है? जरा पता करो हमसे कितनी दूरी पर, एग्जैक्टली कहाँ पे है? अच्छा ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? ये एक कोने में है, दूसरी गली के पास। सर आगे से दूसरी गली। सर निखिल मोबाइल चलने लगा है और वो बाबू बाजार की तरफ जा रहा है। सर रूपा का मोबाइल सर बाबू बाजार की तरफ जा रहा है। सर क्या बाबू बाजार की तरफ? हम लोग बाबू बाजार में आए हैं इस वक्त। निखिल मुझे तो लगता है ये बाबू बाजार से हाईवे पकड़कर शहर से बाहर निकलना चाहता है। हाँ हो सकता है। ये सारी गाड़ियां चेक करते रहो, ये रूपा किन्हीं किसी गाड़ी में हो सकता है। निखिल सिग्नल बिल्कुल पास में है, रूपा का मोबाइल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। सर सिग्नल के पास 100 मीटर की दूरी पे है। सर 100 मीटर की दूरी पे तो ये ट्रक है, ये ट्रक में है क्या रूपा? हो सकता है सर। क्या हुआ था? सही तो रूपक नहीं है। रूपक? रूपक कहाँ है? कौन रूपक? निकल पीछे जाके देखो, कहीं छुप के नहीं बैठा। हटो जरा। आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? इस ट्रक में मेरे अलावा कोई नहीं है साहब।
इसे देखो, इसे पहचानते हो? जी नहीं साहब, कौन है ये? ये मुजरिम है। मुजरिम? हाँ मुजरिम, ये खून करके भागा है। मेरा किसी खूनी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो मंडी से आ रहा था। सर सर, ये देखिए फोन मिला है सर, रूपक का है। फोन कहाँ से आया? ये मोबाइल मेरे ट्रक में कैसे आ गया, मुझे कुछ पता नहीं। सर ये झूठ बोल रहा है, जानता है कि रूपक कहाँ है, पता नहीं रहा मैं। कसम से साहब, मुझे कुछ पता नहीं। देख सच सच बता दे, वरना फंस जाएगा, समझा? वाकई में मुझे कुछ पता नहीं, जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए मोबाइल मेरे ट्रक में रख दिया होगा। सर हो सकता है मोबाइल रूपक ने रख दिया हो हमें गुमराह करने के लिए। हो सकता है। एक काम करो, ये बताओ कि ये ट्रक तुम कहाँ कहाँ से लेकर आए हो? ये रूपक वहीं कहीं छुप के बैठा होगा, तभी तो मोबाइल ट्रक में है। नोट करो वो जगह। सर आ दिया। अच्छा पता चल गया वो लड़की कौन है जिसकी लाश मिली है। वेरी गुड। ये मेघा कब से गायब है? कल से गायब है, जाते समय कह रही थी कि वो किसी शूटिंग पर जा रही है, बोली वहां पहुंचते ही हमें फोन कर देगी। पर उसका कोई फोन नहीं आया और हम फोन कर रहे हैं तो उसका फोन बंद आ रहा है। सर देखिए एक बुरी खबर है। बात क्या है सर? वो हमें मेघा की लाश मिली है। क्या कहा? मेघा की लाश? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर आपको धोखा हुआ है। प्लीज, 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 प्लीज। नहीं हो सकता। देखिए मैम, सोहली आइए। किसी ने मेघा का खून कर दिया और साथ में हमें देवेश की भी लाश मिली है। लाश? हाँ। खून? वो किस एहवान ने किया मेरी फूल सी बेटी? देखिए अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, मैं बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। देखिए अगर आपको किसी पे शक है कि वो कौन हो सकता है तो आप हमें बता दीजिए। हमें किस पे शक होगा? मेघा का कोई दुश्मन था ही नहीं। अच्छा ये मेघा किस चीज की शूटिंग के लिए जा रही थी? पता नहीं, उसने कहा था कि उसके दोस्त देवेश ने कोई रोल दिलाया था। देवेश? देवेश तो मेघा से बहुत प्यार करता था सर। काम क्या करते हैं? मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। बैंक मैनेजर हैं आप? तो रूपक जी ये बताइए कि आपने पिया को कहाँ छुपा के रखा है? पिया कौन है? हाँ कौन है? ठीक है हम आपको बताएंगे। काजल ये है पिया, पहचाना? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा देवेश को तो पहचानते होंगे आप, नाम सुना है? देवेश? कौन देवेश? कौन देवेश? ठीक है ये भी हम आपको बताएंगे। ये है देवेश। कभी पिया कभी देवेश, ये क्या हो रहा है? मैंने इनके नाम तक नहीं सुने। नाम तक नहीं सुने है? अगर नाम नहीं सुना है तो फिर इस देवेश से आधे घंटे फोन पे क्या बात कर रहे थे तुम? फोन पर? हाँ फोन पे। ये तो तुम्हारा ही फोन है ना? हाँ ये तो मेरा ही फोन है, लेकिन लेकिन आपके पास कहाँ से आया? ये हमें उस सब्जी वाले ट्रक से मिला है जहाँ पे तुम इसे छोड़ के आए थे, समझे? ये दो दिन पहले ही चोरी हो गया था। चोरी हो गया था? कहाँ से चोरी हुआ था? थाने स्टेशन से। अब ये झूठी कहानियां सुनानी बंद कर दे तू, सच सच बता देवेश और मेघा का खून क्यों किया तुमने? अभी मेघा कौन है? तो ऐसे नहीं मानेगा ये आधे घंटे के लिए बाहर घुमाने ले जाता हूँ, बाहर हवा लगेगी तो दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा। चल। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज, प्लीज सर। सोच लो, इनके साथ घूमने जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। ले जाओ भाई, चल। नहीं, नहीं सर, सर, सर मुझे इनके साथ मत भेजिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, मोबाइल चोरी हो गया था सर। चोरी हो गया था? जी सर। तो पुलिस में रिपोर्ट करनी लिखवाई? सर करने वाला था पर हाँ मैंने मोबाइल कंपनी वालों से बंद करने को बोला था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया सर। अच्छा काजल जरा फोन लगा मोबाइल कंपनी वालों को। सर
हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बोल रही हूँ, जरा ये नंबर नोट करना, 1746330988। ये रूपक का ही नंबर है ना? हाँ। अच्छा, रूपक ने दो दिन पहले फोन किया था ना ये नंबर बंद करवाने के लिए? किया था, फिर आपने ये नंबर बंद क्यों नहीं किया? थोड़ा टाइम लगता है, क्यों? पुलिस रिपोर्ट, जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक कोई भी इस नंबर से धमकी भरे कॉल करता रहेगा तो चलेगा क्या? हद होती है लापरवाही की। ये एक खून का मामला है, पिछले दो दिनों से ये फोन जहां कहीं भी था, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना मैं सच कह रहा हूँ? ठीक है मिस्टर रूपक, अभी आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। थैंक यू सर। ये देवेश मर चुका है, रूपक निर्दोष है, तो फिर पिया को किडनैप किसने किया? उस किडनैपर ने पिया के घर के बाहर फोटोज और टेडी बेयर छोड़ा था। पिया के घर वालों से जाके बात करनी चाहिए। ये देखो पिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सारे कपड़े? हाँ, मुझे पता नहीं कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आएगी और कौन सी नहीं, इसलिए मैं सब लेकर आया तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया भी ला सकता हूँ पिया। देखो ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लगेगी, बताओ ना इसमें से कौन सी ड्रेस तुम्हें पसंद है। मेरे हाथ खोलो फिर पता। अभी नहीं खोलूंगा मैं तुम्हारे हाथ, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोलूंगा। अरे अरे अरे, तुम तो रोने लगी। देखो पिया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, मैं समझ रहा हूँ। मैं हाथ छोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं पिया, ये भी तुम्हारा ही घर है। ये मेरा घर नहीं है। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ। हाँ चाय बनाओ मेरे लिए, जाओ। मैं सब समझता हूँ, ये आवाज तुम इसलिए कर रही हो कि तुम मदद के लिए पड़ोसियों को बुला सको, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं भी आवाज करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ बचाओ, एक बात ध्यान से सुन लो, ये घर पूरा साउंड प्रूफ है, ना तो बाहर की आवाज यहां अंदर आती है और ना ही अंदर की आवाज बाहर जाती है। इन सब फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो भी कोई है, कोई ऐसा आदमी जो आपकी बेटी पिया से बहुत ही प्यार करता है, पागलों वाला प्यार, यू नो ऑब्सेस्ड लव, वैसा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, पिया सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है, फिर ये दूसरा आदमी कहां से आ गया? हो सकता है कोई एक तरफा प्यार करने वाला है, पिया उसे रोक भी तो नहीं सकती प्यार करने से। न जाने उसने मेरी बच्ची को किस हाल में रखा होगा। आप चिंता मत कीजिए, देखिए जहां तक मेरा ख्याल है वो आदमी पिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या पिया को कोई खास चीज पसंद है, कोई खास चीज जिसके बिना वो रह नहीं सकती? ऐसी कोई चीज? हाँ कोई खास चीज, जरा याद करके सोच के बताइए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से हम पिया को ढूंढ सकते हैं।
ऐसी तो कोई आदत नहीं थी पिया को, पर हाँ डिनर के बाद उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। आइसक्रीम? खास किस्म की आइसक्रीम कोई? जी हाँ सर, रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम। रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम किसी खास कंपनी की? हाँ, रोजी आइसक्रीम कंपनी। रोजी आइसक्रीम कंपनी की रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम। अब देखते हैं कैसे बचता है ये पिया का पागल आशिक। सर सर प्लीज डोंट माइंड, मेरे दिमाग में अब तक बात घूम रही है कि सिर्फ रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम के नाम से हम पिया तक पहुंचेंगे कैसे। ये है इस शहर का मैप, और वो ट्रक जिसमें हमें रूपा का मोबाइल फोन मिला था, वो ट्रक इन इलाकों से गुजरा था, यहाँ से। रूपा का मोबाइल पिछले दो दिनों में इन इलाकों में था, और ये दोनों रूट कहाँ पे आके मिलते हैं? पानी पेच इलाके में। इसका मतलब रूपक का मोबाइल उस किडनैपर ने सब्जी वाले ट्रक पे पानी पेच में डाला था। ये रूपक का मोबाइल चोरी हुआ था यहाँ थाने में। हम ये मान के चलते हैं कि किडनैपर्स ने पिया को पानी पेच से थाने के बीच में किसी इलाके में रखा है। अब हमें ये पता करना है कि इस पूरे रूट में रोजी आइसक्रीम कंपनी के कितने आइसक्रीम पार्लर हैं, क्योंकि वो आदमी वाशिक अगर पिया से प्यार करता है तो उसकी हर पसंद का ख्याल रखेगा, उसके लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम भी लाएगा। आइसक्रीम देख के मुंह से पानी टपक रहा है। हाँ तो एक खरीद लेते हैं ना। अरे नहीं, ड्यूटी पे आइसक्रीम खाना मना है। अगर अभिजीत सर को पता चल गया ना तो वो मुझे यही पे मुर्गा बना देंगे, समझी? आइए सर, कौन सा आइसक्रीम खाएंगे आप? हम लोग यहाँ आइसक्रीम खाने नहीं, आइसक्रीम के बारे में कुछ पूछने आए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ सीआईडी, हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है जो बार बार ये रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम लेके जाता है? सर ऐसे तो कई लोग हैं सर जो ये आइसक्रीम लेकर जाते हैं। एक मिनट, आप जरा ये फोटो देखिए, वो आदमी शायद इस लड़की के साथ आता था। हाँ सर, वो आदमी तो इस लड़की के साथ कई बार आया सर, कुछ दिन पहले भी आया था सर, लेकिन वो अकेला था सर, ये लड़की साथ में नहीं थी। अगर वो आदमी इस लड़की के साथ कई बार आया है तो मैं जानता हूँ आदमी कौन है। लगता है पिया किसी से बंधा था। पर अब कहाँ गए? सर लगता है भाग गया। भागेगा कैसे, दरवाजा तो अंदर से बंद था, यही कहीं होना चाहिए। ठीक से देखो सर। सर ठीक है सर, कोई भी नहीं अंदर। अंदर कोई नहीं है सर। चलो आओ। सुनी तुमने, आवाज इस तरफ से आई है। जड़ जा मार दूंगा इसे। ठीक है चल, मार दूंगा इसे। आगे बताना, मार दूंगा इसे। तुम तो पिया से प्यार करते हो ना, तो कैसे मारोगे इसे? मैं सच्ची बता रहा हूं, मार दूंगा इसे। अच्छा काट दो, बताना। मार मार। Ah!
मार देगा। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर टाइम पे आ गए, वरना ये पागल पता नहीं मेरे साथ क्या करता। तुम्हारी तो पिया के साथ शादी होने वाली थी, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे डर था कि पिया स्टार बनने के बाद मुझे भूल जाएगी। मैंने कई बार इसे शादी की बात की, लेकिन इसने हर बार बात टाल दी। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, मैं तुम्हें भूलती क्यों? मेघा और दिवेश को तू नहीं मारा ना? हाँ। मुझे लगा था कि उन दोनों की कुचली हुई लाश देखकर आप सोचेंगे कि ये मर चुकी है और आप ये केस बंद कर देंगे। ये CID है बेटा, CID। देवेश उसे मिलने आया है क्यों? मेघा को मैंने ग्रीन रूम से उठाकर देवेश के घर ले जाके बेहोश कर दिया। उसके बाद मैंने देवेश को बोला कि मैंने मेघा को जहर दे दिया है, अगर उसे बचाना हो तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आकर मुझसे दवाई लेनी होगी। देवेश उस दिन इतनी जल्दी में क्या था? मेघा को बचाने जा रहा था ना, मुझसे दवाई लेने के लिए। ये सब मैंने सिर्फ पिया को पाने के लिए किया है। अब जेल में बैठ के पिया के नाम की माला जपते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.